हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैलियंट फीचर्स ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003, और ये जो है उसका पार्ट वन रहेगा, ठीक है। इससे पहले की जो वीडियो मैंने दी थी उसमें आपको बताया था अबाउट दी कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003, क्या था, कब आया था, क्यों आया था, वो सारे पॉइंट्स हमने उस वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उस पार्ट को जाकर सबसे पहले देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा, जिससे कि आपको सारे फीचर्स जो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में वो आपको समझ में इजीली आ जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो ऊपर आई का बटन दे रखा होगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका टॉपिक है ये चूज़ किया है मैंने यूनिट नंबर 6 से, जो कि है कॉरपोरेट लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बट स्टार्ट करने से पहले याद रखिएगा आर मिशन इज 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम्स एंड वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड इसके साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, जिससे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऑलराइट गाइस, सो फर्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो इस स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा उन फीचर्स के नेम, ठीक है, जो कि कंपनी अमेंडमेंट बिल 2003 में इंक्लूड किए गए थे। और यहाँ पर सिर्फ अभी हम नेम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक यू नो आइडिया मिल जाए कि कौन कौन से फीचर्स थे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्टिंग के चार फीचर्स जो होंगे उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो फीचर था आपका वो था इफ़ेक्ट ऑफ फेलियर टू इंक्रीज़ शेयर कैपिटल विद इन 2 ईयर्स। तो जब एक कंपनी आपकी इस्टेब्लिश होती है तो अपना क्या कैपिटल उसमें लगाते हैं, तो आपका एक कंडीशन मेंशन की गई कंपनी अमेंडमेंट बिल 2003 में कि विद इन 2 ईयर्स आपको अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज़ करना होगा। और अगर आप फेल हो जाते हो अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज़ करने में तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और वो है आपका रिलेटेड टू होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनीज। तो एक सब्सिडियरी कंपनी को होल्ड करने के लिए क्या कंडीशंस आपकी प्रोवाइड की गई कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003 में, तो वो भी हमारा सेकंड फीचर होगा। नाउ थर्ड सैलेंट फीचर्स की बात करें कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003 की, तो वो रिलेटेड है आपका ऑफिसर एंड डिफ़ॉल्ट से, ठीक है। तो वो कंपनीज जो आपकी डिफ़ॉल्ट करती हैं इन्वेस्टर्स के साथ में, तो उस केस में कौन कौन से ऑफिसर्स आपके डिफ़ॉल्ट में कंसीडर्ड किए जाएंगे उनके बारे में बात करेंगे। नाउ चौथा आपका सैलेंट फीचर है कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003 का, एंड दैट्स रिलेटेड टू लार्ज पार्टिसिपेशन फॉर प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल अगर चाहें तो पार्टनरशिप कितने लोगों के पार्टनरशिप के पार्टिसिपेशन के साथ कर सकते हैं, तो चौथे सैलेंट फीचर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, लार्ज पार्टिसिपेशन फॉर प्रोफेशनल। और पांचवा जो हमारा सैलेंट फीचर होगा कंपनी द अमेंडमेंट बिल 2003 का, वो होगा रिलेटेड टू वैनिशिंग कंपनीज, ठीक है। वो कंपनीज जो कि आपका क्या करती हैं, मार्केट से पैसा कलेक्ट करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, सो दोज कंपनीज विल बी आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। एंड सिक्स पॉइंट आपका जो है सैलेंट फीचर में वो रिलेटेड है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी। सेवन्थ पॉइंट इज़ रिलेटेड टू प्रोविजन्स रिलेटेड टू पब्लिक इशूज़, ठीक है। तो जो पब्लिक इशूज़ होते हैं आपके शेयर्स डिवेंचर्स के, तो उसमें आपका कौन कौन से प्रोविजन्स आपके मेंशन किए गए हैं इन द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003, तो उसके सैलेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे अपने एथ पॉइंट की, ठीक है। तो हमारा जो एथ सैलेंट फीचर है कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003 का वो है डिविडेंड से रिलेटेड, ठीक है। तो जो शेयर्स पर आपका डिविडेंड्स प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, तो वो हम सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो 8 पॉइंट्स हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड जैसा कि मैंने टॉप 12 आपको पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए हैं, उनमें से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट पर, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके ओके गाइस, सो फर्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो बात करेंगे सबसे पहले फीचर के बारे में कंपनी अमेंडमेंट बिल 2003 के, एंड दैट इज़ इफेक्ट ऑफ फेलियर टू इंक्रीज शेयर कैपिटल। ओके, सो लेट्स डिस्कस द पॉइंट नंबर वन सेज द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल फॉर कंपनीज, ₹1 लाख फॉर प्राइवेट कंपनीज एंड ₹5 लाख फॉर पब्लिक कंपनीज। ओके, तो दोस्तों कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003 से पहले आपके बहुत सारे एक्ट आए थे, ठीक है, बट उनमें से एक एक्ट था जो कि ईयर 2000 में आया था, जिसका नाम था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000। तो
उसमें ना एक आपका स्पेशल कॉन्सेप्ट जो था कंपनीज के लिए वो इंट्रोड्यूस हुआ था, और उस कॉन्सेप्ट का नाम था मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का, ठीक है। जिसमें एक कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए आपका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एक्सप्लेन किया गया था या बताया गया था, ठीक है। आई रिपीट, जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट था 2000 वाला हमारा, उसमें आपका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर होगी तो उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होगा वो मिनिमम आपका होगा 1 लाख रुपीज़ का, और कोई भी अगर पब्लिक कंपनी होगी तो उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ₹5 लाख होना ज़रूरी है, ठीक है। तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग था आपका ये, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000, ठीक है। और उसमें आप प्राइवेट कंपनी के लिए कितना मिनिमम आपका पेड अप शेयर कैपिटल होना ज़रूरी था, 1 लाख रुपीज़, एंड पब्लिक कंपनीज के लिए कितना, 5 लाख रुपीज़ का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना मैंडेट था, ओके। सो नाउ पॉइंट नंबर 2 सेज, कॉन्सिक्वेंटली एवरी कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 13/12/2000, ठीक है। तो आपका 13 दिसंबर 2000 से आपका ये जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग 2 साल के अंदर अंदर जितनी भी कंपनीज थी उन सबको क्या था, ये जो रिक्वायरमेंट थी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की वो फुलफिल करनी ज़रूरी थी। आई रिपीट, विद इन मतलब 2 साल का टाइम दिया गया था सभी कंपनीज को आपका ये मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का जो क्राइटेरिया था उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। और ये किस में आया था, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 में, ओके। आई एम श्योर ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3 सेज, इन केस इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई द कंपनी वुड बी कंसीडर्ड एज अ डिफंक्ट कंपनी अंडर सेक्शन 560 एंड इट्स नेम टू बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द कंपनीज लिस्ट। सो गाइस, जैसा कि ये आपकी एक्ट में मेंशन था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 में, तो आपका जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल था वो हर कंपनी को मीट करना क्या था, ज़रूरी था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थी। अब वो कंपनीज जो आपके ये मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाई 2 सालों में, तो उनके साथ क्या आपका एक्शन लिया जाना था। तो वो कंपनीज जो आपकी इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मीट करने में फेल हो गई थी, उनके लिए आपका एक क्राइटेरिया रखा गया था कि उन कंपनीज को आपकी डिफंक्शन कंपनीज के तौर पर कंसीडर किया जाएगा, यानी कि उनकी एग्जिस्टेंस आपकी नल एंड वॉइड कर दी जाएगी अंडर सेक्शन 560, ओके। एंड इसके अलावा जो कंपनीज की लिस्ट होती है उसमें से उनका नाम हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो उनको कंसीडर किया जाएगा डिफंक्ट कंपनी अंडर सेक्शन 560, और जो नेम होगा उन कंपनीज का जो कि ये आपकी क्राइटेरिया मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की नहीं मीट कर पाएंगी, उनका नाम जो है वो स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी आपकी, वो मेंशंस थी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 में। अब बात करेंगे कि कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003 में आपका ऐसा क्या एडिशन हुआ इस पर्टिकुलर पेड अप शेयर कैपिटल के क्राइटेरिया पर, ओके। सो लेट्स प्रोसीड टू आर नेक्स्ट स्लाइड एंड विल डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट। सो गाइज, नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, विल डिस्कस द पॉइंट रिलेटेड टू कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003, ठीक है। सो अ न्यू प्रोविजन वॉज ऑल्सो प्रपोज इन द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003 इन विच इफ देयर वुड बी अ कंपनी विच इज़ नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस ऑपरेशन, द लाइबिलिटी ऑफ एवरी डायरेक्टर और मैनेजर और शेयर होल्डर्स ऑफ सच कंपनी शाल बिकम अनलिमिटेड, ठीक है। तो सबसे पहले वो कंपनीज जो अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज़ नहीं कर पाती, जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया प्रोवाइडेड था कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2000 में, अगर उससे ज़्यादा अपना मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं कर पाती, ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले तो उनको डिफंक्ट कंपनी कंसीडर किया जाएगा अंडर सेक्शन 560, ठीक है। फिर उनका नेम हटा दिया जाएगा कंपनीज लिस्ट में से, एंड जो कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003 आया था उसमें एक नया प्रोविजन और ऐड कर दिया गया, जिसमें आपका एक क्लियर कट मेंशन था कि अगर कोई भी कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन को कंटिन्यू नहीं रखती, ठीक है, तो उस केस में जो उस कंपनी के डायरेक्टर होंगे, मैनेजर होंगे एंड इवन शेयर होल्डर्स होंगे, तो उनकी जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड हो जाएगी। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो एक कंपनी में किसी भी डायरेक्टर की, मैनेजर की, आपके या शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है वो होती है लिमिटेड, ठीक है। नाउ अगर
कोई कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को प्रॉपरली कंटिन्यू नहीं करती, अपने मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल के क्राइटेरिया को नहीं मीट करती, तो उस केस में जितने भी डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के, जितने भी मैनेजर्स होंगे और जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, उन सब की जो लायबिलिटी हो जाएगी वो अनलिमिटेड हो जाएगी। तो इन दैट केस अगर मान लीजिए कि कुछ भी लॉस होता है कंपनी को, तो सबको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही अच्छी कंडीशन आई जिससे कि इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो प्रोविजन था वो आपका प्रपोज किया गया था, आपका ये प्रपोजल था, ये अप्लाई नहीं हुआ था, लागू नहीं हो गया था, प्रपोज किया गया था कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003 में। ओके, तो आई एम श्योर ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला सेलियंट फीचर था वो डिस्कस हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर। तो जो सेकेंड हमारा फीचर है कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003 का, वो है रिलेटेड टू होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनीज। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं वन बाय वन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 4 ऑफ दी कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003, द फॉलोइंग चेंजेस वर मेड इन केस ऑफ होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनीज। तो हमारा जो सेक्शन 4 था कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003 का, तो उसमें आपके कुछ चेंजेस आपके यू नो प्रपोज किए गए रिलेटेड टू होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी। तो एक सब्सिडियरी कंपनी को होल्ड करते टाइम पर आपके यू नो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस प्रपोज की गई यहाँ पर कंपनी द अमेंडमेंट बिल 2003 में। तो कौन कौन सी वो आपकी कंडीशंस थी या चेंजेस थे, लेट्स टॉक अबाउट। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कंपनी विल बी अ सब्सिडियरी ऑफ अनदर इफ दी अदर कंपनी फर्स्ट पॉइंट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मान लीजिए आपकी दो कंपनी है, एक है ए और एक है बी। ठीक है, तो ए जो है उसने परचेज कर लिया बी को, तो ए हमारी है आपकी होल्डिंग कंपनी और बी जो है हमारी वो है सब्सिडियरी कंपनी। तो कोई भी आपकी अगर होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, तो दूसरी कंपनी जिसको वो क्या कर रही है, होल्ड करके रखे हुए है, जो कि उसकी सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी होल्डिंग कंपनी है वो क्या करेगी, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल करेगी। पहली चेंज जो कि प्रपोज किया गया आपके यू नो कंपनी द अमेंडमेंट बिल 2003 में। ठीक है, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी तभी कहलाएगी जब आपकी जो होल्डिंग कंपनी होगी, यानी कि कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी ए होल्डिंग कंपनी है, कंपनी बी सब्सिडियरी है। तो कंपनी बी ए की सब्सिडियरी कंपनी तभी कहलाएगी जब वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ इट्स टोटल वोटिंग पावर, वेयर सिक्योरिटीज अदर देन इक्विटी कैरिंग वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड। और दूसरा जो पॉइंट है उसमें क्या होगा, आपके जो वोटिंग पावर होगी वो आपकी होल्डिंग कंपनी के पास होगी 50% से ज़्यादा। ठीक है, सो मोर देन हाफ ऑफ इट्स टोटल वोटिंग पावर वुड बी एक्सरसाइज्ड और कंट्रोल्ड बाय दी होल्डिंग कंपनी। तो जो होल्डिंग कंपनी होगी वो आपकी हाफ से ज़्यादा जो टोटल वोटिंग पावर होगी अपने पास रखेगी। ठीक है, तो उस केस में जो दूसरी कंपनी होगी जिसकी वोटिंग पावर आपकी फर्स्ट कंपनी के पास होगी, वो उसकी सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी अकॉर्डिंग टू दी प्रपोजल दैट वॉज मेड इन दी कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर थ्री पर। तो पॉइंट नंबर थ्री सेज इफ अ कंपनी होल्ड्स मोर देन वन हाफ ऑफ द अदर कंपनीज पेड अप कैपिटल वैल्यू, देन द कंपनी हुज पेड अप कैपिटल वैल्यू इज होल्डेड बाय द अदर कंपनी विल बी नोन एज अ सब्सिडियरी ऑफ द फर्स्ट कंपनी। तो मान लीजिए अपनी सेम कंपनी थे ए एंड बी, तो ए जो है वो होल्ड करती है आपके यू नो लगभग 50% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल वैल्यू ऑफ बी। तो इस केस में जो बी होगी वो आपकी कहलाएगी ए की सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो ये तीन आपकी कंडीशंस थी, पहली कि जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा सब्सिडियरी कंपनी का, वो आपका जो होल्डिंग कंपनी होगी उसके कंपोजिशन को कंट्रोल करेगी, और दूसरे केस में आपका क्या होगा, होल्डिंग कंपनी जो होगी वो सब्सिडियरी कंपनी के मोर देन नो 50% टोटल वोटिंग पावर को एक्सरसाइज करेगी या कंट्रोल करेगी। एंड तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि एक होल्डिंग कंपनी आपका क्या करेगी, सब्सिडियरी कंपनी के
अगेन मोर देन 50% पेड अप कैपिटल वैल्यू को होल्ड करके रखेगी. सो आई एम श्योर इतने पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो चुके होंगे. ठीक है, सो दैट वॉज द फर्स्ट चेंज दैट वॉज इंट्रोड्यूस इन द कंपनी द अमेंडमेंट बिल 2003. अब सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपके स्क्रीन पर आ चुका है. तो पॉइंट नंबर टू सेज अ कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी शैल नॉट बिकम अ होल्डिंग कंपनी. ठीक है, तो एक कंपनी जो कि क्या है आपकी सब्सिडियरी कंपनी है किसी दूसरी कंपनी की, तो वो खुद अपने आप में आपने सोचा 5-10 साल बाद उसको होल्डिंग कंपनी बना दें, तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी अमेंडमेंट बिल 2003 एक सब्सिडियरी कंपनी आपका होल्डिंग कंपनी कभी भी नहीं बन सकती, ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन या फिर आप बोल सकते हो ये चेंजेस जो प्रपोज किए थे, ठीक है, इन द कंपनी अमेंडमेंट बिल 2003 कि एक सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, आप एक होल्डिंग कंपनी नहीं बन सकती. नाउ पॉइंट नंबर थ्री सेज अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इफ द फॉरेन कंपनी इफ इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया वुड बी अ पब्लिक कंपनी एंड 90% और मोर 100% एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द प्राइवेट सब्सिडियरी इज हेल्ड बाय द फॉरेन कंपनी. तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे उन कंपनीज की, उन प्राइवेट कंपनीज की जो कि क्या है सब्सिडियरी कंपनीज़ हैं, उन कंपनी की जो कि इंडिया से बाहर आपकी एस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है, वो प्राइवेट कंपनीज जो कि क्या कर रही हैं आपकी सब्सिडियरी कंपनी के तौर पर क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, और जो इनकॉर्पोरेटेड हैं वो कहाँ पर हैं, आउटसाइड इंडिया हैं, तो उनको हम क्या करेंगे एक सब्सिडरी कंपनी के तौर पर ट्रीट करेंगे पब्लिक कंपनी की. ओनली एंड ओनली आपकी उस केस में दो कंडीशन मीट करनी है. सबसे पहली जो फॉरेन कंपनी होगी, ठीक है, अगर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो वो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, और दूसरा 90% या उससे ज़्यादा जो है उसका जो शेयर कैपिटल है प्राइवेट सब्सिडियरी का वो फॉरेन कंपनी के थ्रू क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर आपका कंट्रोल करना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है आपकी कि जो फॉरेन कंपनी है, ठीक है, अगर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो वो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए. एंड सेकंड पॉइंट सेज कि 90% या उससे ज़्यादा जो शेयर कैपिटल होगा प्राइवेट सब्सिडियरी कंपनी का वो फॉरेन कंपनी होल्ड करेगी या कंट्रोल करेगी. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा. तो इन कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी से रिलेटेड फीचर्स जितने थे वो यहाँ पर हमारे डिस्कस हो गए हैं. अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड सैलिएंट फीचर पर. ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. ओके गाइस, सो थर्ड सैलिएंट फीचर की स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट. ठीक है, तो जब एक कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो उस केस में कौन कौन से ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल होंगे, तो ये थर्ड सैलिएंट फीचर्स था जो कि आपका इंक्लूड किया गया कंपनी अमेंडमेंट बिल 2003 में. लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट. सो इन द कंपनी अमेंडमेंट बिल 2003 द मीनिंग ऑफ द ऑफिसर इन डिफॉल्ट वॉज वाइडन्ड इन ऑर्डर टू इंक्लूड द चीफ अकाउंट्स ऑफिसर द शेयर ट्रांसफर एजेंट्स बैंकर्स टू द इशू रजिस्ट्रार टू द इशू मर्चेंट बैंकर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द इशू और ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बात करें दोस्तों कंपनी अमेंडमेंट बिल 2003 में क्या था, वो लोग जो कि एक कंपनी को एस्टेब्लिश होने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जब एक कंपनी बनती है तो इन सब इंडिविजुअल्स से कहीं ना कहीं आपको परमिशन लेनी पड़ती है या उनकी असिस्टेंस लेनी पड़ती है. तो वो सारे ऑफिसर्स जो एक कंपनी को एस्टेब्लिश होने में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो उन सारे ऑफिसर्स को क्या करा, डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स की कैटेगरी में आपका इंक्लूड कर लिया गया. ठीक है, ध्यान रखिएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इन केस मान लीजिए कंपनी एस्टेब्लिश होती है और वो क्या करती है किसी तरीके से डिफॉल्ट करके एंड इन्वेस्टर्स का पैसा उसमें अटक जाता है, ठीक है, तो जहाँ पर इन्वेस्टर को लॉस हो सकता है तो उस केस में आपकी जितने भी आपके ये ऑफिसर्स के नेम मेंशन्ड हैं ये सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल आपके कर दिए गए इन कंपनी अमेंडमेंट बिल 2003. तो जो आपका जो स्कोप था ऑफिसर इन डिफॉल्ट का वो क्या कर दिया गया, और बड़ा कर दिया गया, और इसमें कई सारे ऑफिसर्स इंक्लूड कर दिए गए, जैसे कि आपके हैं
चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, शेयर ट्रांसफर्स एजेंट, आपके जो इशू में हेल्प करते हैं आपके शेयर्स के बैंकर्स, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया। इवन रजिस्ट्रार्स जो होते हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया गया। इसके अलावा जो मर्चेंट बैंकर्स थे उनको भी इंक्लूड किया गया ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003। इसके अलावा जो डिवेंचर के ट्रस्टीज होते हैं उनको भी आपका इंक्लूड किया गया ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ इंक्लूड किया गया। ये लिस्ट काफ़ी लंबी कर दी गई। सो अभी तक तो हमने कितने आपके 7 यू नो ऑफिसर्स के बारे में पढ़ा है। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर पीपल हु वर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, ठीक है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। ओके ओके गाइस, सो पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। एवरी एम्प्लॉय रिसीविंग रेमुनरेशन मोर देन द रेमुनरेशन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसके अलावा ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में उन एम्प्लॉयज को भी आपका पुट कर दिया गया जिनका रेमुनरेशन, जिनकी पेमेंट या जिनका सैलरी जो है वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी से ज़्यादा होगा, ठीक है। वो एम्प्लॉयज जिनकी रेमुनरेशन, ठीक है, अर्निंग जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर से अगर ज़्यादा है तो वो भी आपके ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में आएंगे, इन केस अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है। एनी होल टाइम डायरेक्टर होल्डिंग ईदर अलोन और जॉइंटली विद स्पाउस एंड इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन 2% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो कोई भी आपका फुल टाइम डायरेक्टर है, ठीक है, वो या तो अकेले या अपनी वाइफ के साथ या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के साथ में अगर कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल का 2% या उससे ज़्यादा हिस्सा रखता है तो वो भी आपका ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में आता है। एंड गाइस, नाउ द लास्ट पॉइंट इज एनी अदर डायरेक्टर बीइंग अ पार्टी टू द कॉन्ट्रावेंशन बाय कंसेंट और कनिवेंस और नेगलेक्ट, ठीक है, तो वो भी आपका ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहलाएगा। तो एक ऐसा डायरेक्टर जो क्या करता है, जो लॉ है उसको वॉयलेट करता है, ठीक है, चाहे अपनी मर्जी से करे, ठीक है, चाहे सीक्रेटली इन्वॉल्व होके करे या फिर ड्यू टू नेग्लिजेंस आपका क्या हो उस लॉ के वॉयलेशन में इंक्लूड होता है, तो वो डायरेक्टर भी आपका ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहलाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट एक बार अच्छे से समझ लीजिए। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है लॉ को वॉयलेट करना, ठीक है। कनिवेंस का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी भी इलीगल एक्टिविटी में सीक्रेटली इन्वॉल्व करना खुद को, ठीक है। और नेगलेक्ट करना का मतलब होता है कि आपको पता ही नहीं चला, ठीक है, आपने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ पे। तो ऐसा डायरेक्टर जो कि आपके क्या है उस कोई भी इलीगल एक्टिविटी में, ऐसी एक्टिविटी में आपका इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपकी कंपनी एस्टैब्लिश होती है, उसको पता है कि कंपनी आगे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगी, लोगों के पैसे लेके भाग जाएगी, और डायरेक्टर को पता होने के बाद भी वो उसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, चाहे अपनी मर्जी से रहे, कंसेंट से रहे, चाहे सीक्रेटली रहे, ठीक है, या फिर अपने नेग्लिजेंस से रहे, तो वो डायरेक्टर भी आपका ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में आएगा अकॉर्डिंग टू द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आई एम श्योर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे आपको। नाउ बढ़ते हैं अपने चौथे फीचर पर। ओके, नाउ गाइस, अब बात करेंगे हम चौथे सैलिएंट फीचर की ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003, एंड दैट इज लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो बात करेंगे कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं तो कितने प्रोफेशनल्स मैक्सिमम आपका पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003, फर्म्स ऑफ प्रोफेशनल्स लाइक एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स एक्सेट्रा कैन फॉर्म पार्टनरशिप फर्म विद अप टू मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। ओके, तो 50 पार्टनर्स मैक्सिमम क्या कर सकते हैं उस पार्टनरशिप फर्म में, जो सारे के सारे प्रोफेशनल बंदे होंगे वो मिलकर क्या कर सकते हैं, 50 पार्टनर्स की एक पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हैं एज पर द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003। तो जो हमारा कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2003 था उसमें प्रपोज किया गया कि जितने भी आपकी फर्म्स होंगी जहां पर आपके सारे प्रोफेशनल्स बंदे मिलकर काम करते हैं, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट्स का आपका फर्म हो, कंपनी सेक्रेटरीज का फर्म हो, डॉक्टर्स का फर्म हो, आर्किटेक्ट्स का फर्म हो, तो सब मिलकर आपके मैक्सिमम वो 50 प्रोफेशनल बंदे क्या कर सकते हैं, मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपके मेंबर्स, प्रोफेशनल मेंबर्स आप नहीं रख सकते अपने उस पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। बाकी अदर मेंबर्स रख सकते हो, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होंगे आपके एरिया के वो मैक्सिमम आप 50 पार्टनर्स का ग्रुप बना सकते हो, ठीक है।
हमारा चौथा सैलियंट फीचर भी यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो काफ़ी बड़े पॉइंट्स थे, तो ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो, इसीलिए मैंने आपका दो पार्ट में इनको डिवाइड करा है। तो चार फीचर्स हमारे यहाँ डिस्कस हो गए, रिमेनिंग फोर आल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो आप तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखकर सारे पॉइंट्स क्लियर कर लीजिए। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो एक बार वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ। ठीक है, कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट के थ्रू बता सकते हैं, आई गेट बैक टू यू ऑन दैट। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे कि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और उन वीडियोस के थ्रू आप क्या कर सके, अपने मार्क्स अच्छे स्कोर कर सके एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे चैनल की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टडी हार्ड, गिव योर बेस्ट, बाय बाय।